दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से यानी आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से काफी अच्छी तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप काफी अच्छी तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसी स्मार्टफोन से वीडियो शूट करता हूँ, इसी वीडियो स्मार्टफोन से मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एडिटिंग करता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों अगर मेरी बनाई हुई वीडियो की एडिटिंग आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरी बनाई हुई वीडियो की एडिटिंग आपको पसंद आती है। कि अगर नहीं पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपना जरूर एक बार ये फीडबैक मुझे दीजिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक दुबे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से काफी अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मेरा आप यहां पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के जस्ट बगल में ही काइनमास्टर एप्लीकेशन है और मैं इसे अब ओपन करता हूँ। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा प्लस का आइकॉन, इसे आप प्रेस करिए। और प्रेस करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है 16:9, तो आप इसे प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देख सकते हैं दिखाई देगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें सेटिंग्स हैं और क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिल रहे हैं और उस फीचर्स के द्वारा क्या क्या होता है। अगर दोस्तों अगर आपको इससे अधिक नॉलेज चाहिए कि मैं कैसे एनिमेशन लगाता हूँ और आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन और सारे जो प्रोसेस हैं वो मैं कैसे करता हूँ, तो मैं आपको अगली पार्ट वाइज में दोस्तों वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप यहां ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये मीडिया का ऑप्शन है, ये है दोस्तों लेयर का ऑप्शन, ये है वॉइस का ऑप्शन, ये है ऑडियो का ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताता हूं मीडिया से क्या होता है। तो आप जैसे ही मीडिया को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपका जहां यहां पूरा गैलरी रहेगा और गैलरी में जो आप यहां से कोई चीज़ लेना चाहते हैं आप यहां से इसे सेलेक्ट करिए और आपके यहां पर लाइन में आ जाएगा। और दोस्तों ये यहां पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में अगर आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, जैसे आप अपनी कोई मतलब वीडियो क्लिप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई बैकग्राउंड ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेता हूँ ब्लैक कलर का। अब दोस्तों देखिए देख सकते हैं यहाँ मैंने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लिया। अब इसमें चलिए दोस्तों अब ये आगे आते हैं, ये जो दाएं साइड में आपको दिखाई दे रहा है लेयर का ऑप्शन, इसे आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 स्टेप दिखाई देगा। पहला स्टेप है मीडिया का ऑप्शन, दूसरा स्टेप है इफेक्ट का ऑप्शन और तीसरा स्टेप है ओवरले का, चौथा टेक्स्ट और पांचवा हैंड राइटिंग। मीडिया का ऑप्शन से होता है दोस्तों यहाँ पर आप कोई अपना क्लिप लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे लगा सकते हैं। और दोस्तों अब बताते हैं आपको इसमें लेयर का ऑप्शन, फिर से आप यहाँ पर प्रेस करें। इफेक्ट का ऑप्शन में अगर आप यहाँ कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं बेसिक इफेक्ट में आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ब्लर कोई अगर करना चाहते हैं या धुंधला करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं अपनी वीडियो में। और दोस्तों अब तीसरे नंबर पर आते हैं, यह ओवरले का ऑप्शन, यहाँ पर कोई आप स्टिकर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने मनपसंद स्टिकर कोई भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अब चौथे नंबर पर चलते हैं, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं ABCD अपना जो मन कहे आप सो यहाँ पर लिख सकते हैं और छोटा अनुसार जो अपना यहाँ पर सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों पाँचवें नंबर पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा हैंड राइटिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी बहुत से ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो वीडियो में एरो दिखाते हैं या कोई चीज़ गोला करते हैं तो आप यहां से इसे ऐसे सेलेक्ट करिए और यहां पर जो आप करना चाहते हैं उसे छोटा बड़ा जैसा करना चाहते हैं आप यहां से इसे कर सकते हैं। देखिए जैसा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं करके आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों इसे। अब दोस्तों चलते हैं सबसे यहां पर नीचे की तरफ, यहां देख सकते हैं दोस्तों वॉयस का ऑप्शन है नीचे की तरफ। यहाँ वॉयस में अगर आपने कोई वीडियो में कोई चीज़ बता रहे हैं, अगर आपसे बाय द वे वो छूट जा रहा है कोई क्लिप तो आप यहाँ से इसे रिकॉर्ड करके आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों पाँचवें यहाँ पर आते हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ऑडियो का ऑप्शन, यहाँ पर आप कोई गाना वाना अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई गाना सेलेक्ट करिए और आप उसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि देखिए यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर गोला है मतलब जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है राइटिंग में, मान लीजिए जो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग जो ये लिखा है, मैंने इसे क्लिक किया और दोस्तों ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये होता है जो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पर देख रहे हैं एरो, जो मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ,
इसका मतलब होता है दोस्तों इन एनिमेशन। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ एनिमेशन लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये एनिमेशन काम कर रहा है। और दोस्तों ये जो ये बीच में आप देख सकते हैं बीच वाला जो पोर्शन है इसमें देखिए दोस्तों देखिए नन ब्लिंक सो फ्लिकर, आप यहां से जो लगाना चाहते हैं वो एनिमेशन आप लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है आउट एनिमेशन, जब आपका वीडियो ख़त्म होगा तो वो किस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा ये होता है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों आप यहां से इसे सेलेक्ट करिए और इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप उसकी रेंजिंग कितना मतलब रेंजिंग कितना आप उसे कम करना चाहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप छोटा बड़ा हल्का ज़्यादा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी ये बताई हुई इन्फॉर्मेशन छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे अधिक नॉलेज चाहिए कि इससे मतलब कैसे मैं एडिट करता हूँ वीडियो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो अगर एडिट करने में बहुत ज्यादा मतलब इसमें फीचर्स होते हैं तो एक साथ बताना मैं समझता हूँ कि आपको उतना ज्यादा टाइम इसमें देना पड़ेगा और आप थोड़ा इसमें आपका माइंड भी थोड़ा घूम सकता है और आपको हो सकता है समझ में भी ना आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं वीडियो बनाऊँ इसको पार्ट वाइज में कर दूँ, और इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं पार्ट वाइज कर दूंगा तो काफी अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी और काफी अच्छी तरीके से और काफी फ्रेश आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो एडिट करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो मैंने आपको छोटा सा क्लिप बताया इससे आगे आगे क्या क्या प्रोसेस है कैसे कैसे क्या होता है तो मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आती है। प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों मेरा एक ब्लॉग वाला चैनल है जिसका नाम है रिट ब्लॉग, उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जहां पर मैं डेली लाइफ स्टोरी आप सभी के बीच शेयर करता हूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।